हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का जो तीसरा मेथड है, जिसमें बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इनएसेसेबल एंड इंस्ट्रूमेंट स्टेशन नॉट इन द सेम प्लेन। स्टेशन है ए और बी एंड ऑब्जेक्ट, ये तीनों एक प्लेन में नहीं है। तो अब देखो किस तरह करेंगे हम। ये हमारा पी एक पॉइंट है, ये आप देख रहे हो पहाड़ी है। इस पहाड़ी पे जो पॉइंट है, इसके टॉप का जो पॉइंट है, इसका हमको आर एल निकालना है और इसकी हमको हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट को ए पॉइंट पे सेट करेंगे, लेवल कर लेंगे इसको, और इस पॉइंट से इसका जो टॉप पॉइंट पी है उसका वर्टिकल एंगल अल्फा वन, इसको हम नोट कर लेंगे। साथ ही साथ इसी पॉइंट से हम जो हमारा बेंचमार्क है उस पर स्टाफ रखेंगे और स्टाफ की रीडिंग को यहाँ से हम इसको नोट कर लेंगे, जो होगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद हमको यहाँ से एक लेना है क्षैतिज कोण, मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट की सेकंड पोजीशन है बी है, और ये ए है और ये अपना सी है। तो हमको इसके लिए बी पॉइंट पे एक रेंजिंग रोड रखनी होगी और ए पॉइंट से हमको क्षैतिज कोण नापना होगा। ये वाला, ये हमारा थीटा, मीन्स यहाँ रेंज रोड रखिए और यहाँ से टेलीस्कोप को इस तरह से देखिए, इसका जो बेस है ये आपका क्षैतिज कोण आ जाएगा थीटा। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट को हम शिफ्ट करेंगे और बी पॉइंट पे लेके आएंगे। यहाँ से हम दोबारा से जो हमारा पी पॉइंट है, इसका जो वर्टिकल पॉइंट है, इसका वर्टिकल एंगल हम नोट करेंगे और ये हमारा होगा एल्फ़ा टू। इसी प्रकार से दोबारा से हम जो क्षैतिज कोण है एल्फ़ा, इसको भी हम ज्ञात करेंगे, मीन्स यहाँ एक रेंजिंग रोड रखेंगे पॉइंट पे, और यहाँ से इसको देखते हुए बेस और ये इन दोनों का बीच का जो कोण है अल्फा, क्षैतिज कोण, इसको हम ज्ञात करेंगे। इन प्रक्षेपणों से हम सबसे पहले बी सी मीन्स बी सी, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। बी साइन थीटा साइन 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा से, जिसमें बी का मतलब है बी और ए के बीच की दूरी जो है, ये बी दोनों इंस्ट्रूमेंट के बीच की दूरी, ठीक है। थीटा आपका ये और अल्फा आपका ये आ गया। देन एसी निकालेंगे, बी साइन अल्फा अपॉन साइन 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा, जिसमें आप देख रहे हो जो साइन अल्फा ये है आपका, अल्फा यहाँ से आ जाएगा और थीटा और अल्फा आपको ज्ञात है, ये थीटा है ये अल्फा है। तो बी सी और ए सी हमको ज्ञात हो गए। अब एच वन मीन्स दिस साइड, इसकी जो लाइन ऑफ साइट है यहाँ की ऊपर की जो हाइट है, ये एच वन हो जाएगा, ए सी टेन एल्फा वन। इसी तरह से हम एच टू निकाल लेंगे, बी सी टेन एल्फा टू से, ये हमारा बी सी है और ये हमारा हो गया टेन एल्फा टू, ये तो ये हमारा एच टू आ गया। अब इसके आर एल निकालने के लिए हम जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है इसमें एच वन प्लस कर देंगे तो इस पॉइंट का आर एल आ जाएगा। इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग का तीसरा मेथड पूरा होता है। ओके, थैंक यू।